एक बात बताया है कि कोई भी आदमी कहीं भी जाता है ना, कोई आदमी कहीं पर भी जब घूमता है तो घूमने के दौरान हो सकता है उसको चोट लग जाए या फिर कोई दुर्घटना हो जाए, और इस स्थिति में उसे काफी ज्यादा चोट भी लगती है ना। और चोट लगने के कारण उसको दर्द भी होता है, दर्द तो होता ही है तो नारा, और दर्द के कारण हो सकता है वो काफी ज्यादा उसके शरीर से ब्लड भी निकल जाए, है ना। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए सबसे पहले घर में आप देखे होंगे कि कोई भी आदमी घर में अगर आपको चोट कहीं लग जाए तो आपके माता जी है ना बोलेंगे कि ये वाला चीज लगा लो। एक गांव में एक लेडीज रहती थी जो किसी अपने घर के किसी भी सदस्य को चोट अगर लगता था तो वो कहते थे कि फेयर लवली लगा लो, सीधे फेयर लवली लगाओ और बीमारी को भगाओ, है ना, ऐसा बात को बोलती थी। हर एक चोट लगने पर कटने पर 5-5 मिनट पर, अगर ज्यादा तो चोट है तो 5-5 मिनट पर, कम चोट है तो 2-2 मिनट पर है ना फेयर लवली लगाइए, तुरंत खून जाम हो जाएगा और आपको दर्द ठीक हो जाएगा। तो ऐसे होते थे कुछ लोग। तो सबसे पहले क्या करें, है ना, व्हाट आर डूइंग व्हेन इमरजेंसी ड्यूरिंग टेलीग्राम ड्यूरिंग इमरजेंसी के टाइम क्या करें, है ना, यही हम लोग सीखना चाह रहे हैं। तो देखिए, इमरजेंसी के टाइम सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर कोई बच्चा है और बच्चा देखा कि कहीं किसी पर किसी को चोट लग गया तो वो सबसे पहले, मैं पूछूंगा भी सबसे, है ना, ये बोलने वाला ही चैप्टर है। मान लो किसी को चोट लग गया और एकदम बच्चा है तो सबसे पहला वो काम करे कि अपने से बड़ा को बुलाए, एडल्ट, एडल्ट में होता है बड़ा, है ना, एडल्ट लिखा है, कहाँ लिखवा है, एडल्ट मतलब बड़ा, तो सबसे पहला काम है कि वो अपने से बड़ा को बुलाए मदद के लिए। उसके बाद ही फर्स्ट एड का शुरुआत करें। फर्स्ट एड मतलब किसी भी व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाने से पहले किया गया उपचार, उपचार का हिंदी एड, ठीक है। अब सुनिए फर्स्ट एड क्या है। तो किसी भी व्यक्ति को हॉस्पिटल में ले जाने से पहले जो भी उपचार किया जाएगा, जो भी दवाइयां की जाएगी, पट्टी बांधना है ना, दवाई लगाना, घर पर जो भी है, किसी किसी के हाथ अगर कट जाता है तो वो नेल पॉलिश भी काम करता है, सुनने में आया, किसी का हाथ अगर कट गया तो सुनने में आया कि वो नेल पॉलिश लगा लो, है ना, उससे भी ठीक हो जाएगा, ऐसा आप सुने आप लोग, तो इसी को फर्स्ट एड कहते हैं। तो फर्स्ट एड के लिए सबसे पहले आप किसी युवा से मिले, है ना, अगर कोई एडल्ट से मिले, और तभी जाकर मान लो कि हम ही लोग को कुछ हो जाए तो सबसे पहले जो घर में बड़े हैं उनसे मिलने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि खुद ही कुछ करना शुरू कर दे, है ना। जान गए, मम्मी बोली कि फर्स्ट एड में क्या होता है कि नेल पॉलिश लगाया जाता है। अब आप लोग सुन गए, अब दूसरा बार में पूरे शरीर में नेल पॉलिश लगा के खड़ा, मम्मी बोली क्या हुआ, तो फर्स्ट एड किए है, सबसे पहला बार उपचार किए है पूरे शरीर में नेल पॉलिश लगा के। अजीब हरकत है भाई, क्या कर रहे हैं आप, है ना, नेल पॉलिश लगा करके। मम्मी बोली कि वो फेयर लवली से खून ठीक होता है, अब पूरे शरीर में फेयर लवली लगा करके एक तो दर्द है और ऊपर से पूरे फेस बना रहे,
और व्हाट आर डूइंग मैन, तब बड़ा गड़बड़ होगा। इसलिए था सचेत, बड़ा आदमी से मिलना जरूरी है। तो चलिए, और एक बात और याद रखिए, जब भी फर्स्ट एड, आप जब भी रोड पर किसी को देखे और एक्सीडेंट हो गया हो, तो उस स्थिति में एक नंबर है 101 पर जरूर कॉल कर दें। ये पुलिस का नंबर है, आप गलती से भी अपने मोबाइल में इसको डायल ना करें, है ना। 101 पुलिस का नंबर है, और जैसे ही आप डायल करेंगे पुलिस आपके पास, है ना, समझ रहे हैं। तो फर्स्ट एड किस किस चीज का हो सकता है वो हम लोग देखते हैं, है ना। फर्स्ट एड किस किस चीज का हो सकता है, फर्स्ट एड में तो समझ रहे हैं। फर्स्ट एड मतलब हॉस्पिटल ले जाने से पहले उपचार करना, उपचार मतलब देखभाल, है ना, कोई दवाई लगा दिए, ये सब कर दिए। तो फर्स्ट एड का सबसे पहला मैं बता रहा हूँ, अगर थोड़ा बहुत जल गया हो तब, किसी को देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत जला हुआ है, तो जलने के दौरान क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, जला हुआ है उसको क्या करेंगे, और उस पर गर्म पानी रखते हैं। अच्छा, सबसे पहले बोल रहा कि आइस लगाएंगे, नहीं, कीप द वंट एरिया अंडर द कोल्ड रनिंग वाटर फॉर फ्यू मिनट्स। जैसे ही किसी को जल जाए तो सबसे पहले उसका हाथ ठंडा पानी के अंदर थोड़ा रख दे, ताकि उसको रिलैक्स मिले। उसके बाद कुछ देर बाद पहले हाथ को पानी के अंदर रखना, ऐसा नहीं कि उस पर पूरा बर्फ रगड़ रगड़ के उसका हाथ को और आप उजला बना दे, है ना, तो फिर और दिक्कत होगा। फर्स्ट एड सबसे पहले आप धीरे से उसको पानी को हाथ में डाले रहे, पकड़े रहे, वो हटाने का प्रयास करेगा, ठीक है। हालांकि उसको अच्छा लगेगा तो फिर नहीं हटाएगा, लेकिन कुछ देर क्या छोड़ो, है ना, अजीब अजीब आवाज निकालेगा जब हाथ जलेगा तो, और रोएगा भी, उस सिचुएशन से आपको बचाना है। दूसरी बात हो गई, जब हाथ रख दिए पानी के अंदर, तो उसके बाद क्या करना है, उसको निकालना है। और जो बोल रहे हैं क्यूब आइस, आपके फ्रिज में कई सारे शेप दिए होते हैं, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, क्यूब, क्यूब टाइप का, यानी छलका चौड़ा, जिसको पकड़ के ऐसे ऐसे कर सके, और थोड़ा स्लिपरी हो, उसका जो तो सरफेस हो वो स्लिपर हो, फिसलदार हो, नहीं तो अगर खुरदरा रहेगा तो आप रगड़िएगा तो उसका हाथ और रगड़ाएगा। एक तो जला है, एक तो स्किन ऐसे ही पका हुआ है, और ऊपर से और हम पका पर और पक्का बना रहे हैं, तो फिर देखो प्लास्टर हो जाएगा फिर, है ना, हाथ से फिर सीमेंट जमेगा, इसलिए थोड़ा सा इसको बचा कर रखना है। और तीसरा बात, आप एंटीसेप्टिक क्रीम लगा दे वहाँ पर, है ना। एंटीसेप्टिक क्रीम कौन कौन है वो सुन लीजिए, है ना, हम लोग के घर में हर एक घर में एंटीसेप्टिक क्रीम होता है। उस एंटीसेप्टिक क्रीम में सबसे पहला एंटीसेप्टिक क्रीम, सबको उसको देखे होंगे, बोरो प्लस, है ना, बोरो प्लस इज द एंटीसेप्टिक क्रीम, उसमें लिखा हुआ होता है, जाकर पढ़ना, आज देख लेना, बोरो प्लस इज द एंटीसेप्टिक क्रीम। एंटी, एंटी का मतलब खिलाफ, और सेप्टिक का मतलब, एंटीसेप्टिक मतलब अगर कोई कीड़ा कीटाणु वायरस कोई फैल रहा है उसको बढ़ने से रोक देता है, ये आयुर्वेदिक है। नहीं तो फिर एंटीसेप्टिक क्रीम अगर नहीं है तो तुलसी का पत्ता ही एंटीसेप्टिक क्रीम में ही आता है। और जले हुए पार्ट पर आप लगा दें और कुछ देर के लिए छोड़ दें, और तुरंत डॉक्टर के यहाँ उसके पास जाए, समझना है, समझना है सबको। अगर माइनर वर्ड्स होता एक छोटा सा से जला हुआ तब, और अगर बहुत ज्यादा जला हुआ हो तब तो बचना मुश्किल है, बचना मुश्किल है, नहीं बच सकता, ठीक है। हमारे कोचिंग में एक पढ़ता था लड़का, आज से बहुत साल पहले, उसका जलने से मृत्यु हो गया। बताइए, जला हुआ व्यक्ति नहीं ठीक हो सकता,
कटा हुआ कोई चीज को जोड़ सकते हैं हम लोग शरीर में जोड़ सकते हैं, कटा हुआ अगर थोड़ा बहुत भी अगर हाथ में लगा हुआ है तो मान लो उंगली किसी का कटा थोड़ा सा लटका हुआ है तो डॉक्टर जोड़ने का प्रयास करेगा, जोड़ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई चीज जल जाए तो वो चीज को फिर से नया बनाना मुश्किल है, क्योंकि जलना मतलब वो आपका पक गया है, पकना भोजन जैसे सिझता है भोजन आलू, तो आलू को सिझा हुआ आलू को नहीं बना सकते हम लोग। आलू को सिझ अगर पूरा उबल जाए तो उसको फिर से आलू नहीं बनाया जा सकता, लेकिन कटा हुआ आलू को अगर धरती में लगा दें तो उससे नया आलू हो सकता है, दोनों बात है। इसलिए जलना बहुत खतरनाक है, सावधानी से। कुछ लोग गैस के पास खाना बनाते हैं, तो गैस के पास जब भी खाना बनाएं तो एक बात का ध्यान रखें कि गैस जो है वहां पर एक रेगुलेटर होता है गैसी के पास, और वहीं से आग लगने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि गैस लीकेज करेगा वहीं से, और उस सिचुएशन में अगर आग लग जाए तो एक काम करना है कि कोई बाल्टी वगैरह उस पर रख देना है, जला हुआ तुरंत खत्म हो जाए, तुरंत बुझ जाता है, याद रखना। जैसे ये है यहाँ पर ऐसे करके एक ऐसे बाल्टी ऐसे रख रेगुलेटर के पास, वो बुझ जाएगा तुरंत। पाइप लगाता है तो पाइप ढीला तो होता है। चलिए तो आज इतना ही, मिलेंगे आकर के आइएगा, कल क्विज है, सब ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चाहिए किसी का जो मैथ्स में लिखा है उसका मैथ्स का क्विज होगा ना, बोले कल परसों बताए, सोमवार को बताएंगे, शनिवार को बताएंगे, आज कोचिंग।